एचपीसीए के प्रवक्ता और भाजपा नेता संजय शर्मा ने सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे बौखला गए हैं और बौखलाहट में मकलोडगंज में रह रहे कश्मीरी मुसलमानों द्वारा उन्हें मकलोडगंज में मस्जिद बनवाने के प्रस्ताव को वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हिमाचल सरकार वहां मस्जिद निर्माण की इजाजत देने के लिए प्रयत्न में है। उन्होंने कहा कि वे इसका पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि यहां पहले से ही मस्जिद है। उन्होंने कहा कि हर धर्म को अपने अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत है, लेकिन यहाँ पर वोट की राजनीति के पीछे जो कश्मीर के मुसलमान यहाँ आए हैं, वे यहाँ के माहौल को खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ उनकी गतिविधियाँ संदेह के घेरे में हैं और उनको खुश करने के लिए अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा तो वे चाहे कोई भी सरकार हो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कश्मीरी लोगों की गतिविधियां सही नहीं है और हिमाचल में रह रहे कश्मीरियों की सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए और इनके खातों की भी जांच की जानी चाहिए ताकि सब साफ नजर आ सके। संजय शर्मा ने कहा कि भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां इन पर कड़ी नजर रखें क्योंकि यहां पर भी टेरर फंडिंग में भी आतंकी गतिविधियों में हिमाचल का नाम भी आया था जब कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज यहां के माहौल को खराब करने में शहरी विकास मंत्री लगे हुए हैं और यहां की जनता को लाभ ना पहुंचाकर कश्मीरी लोगों को लाभ पहुंचाने में लगे हैं। वहीं संजय शर्मा ने कहा कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जानी चाहिए ताकि सब कुछ साफ हो। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक सुधीर शर्मा जी मैक्लोडगंज के अंदर एक मस्जिद निर्माण करवाने का कोई प्रस्ताव उनके पास आया है। मेरी जानकारी के मुताबिक उस प्रस्ताव के अंदर जो है वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार वहां पे जो है वो कोई मस्जिद निर्माण की इजाजत देने के प्रयत्न में है। हम उस चीज का जो है वो पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि धर्मशाला के अंदर पहले ही मुस्लिम और हिंदू समुदाय पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहते हैं। यहाँ पे पहले से ही जो है वो मस्जिद जो है वो यहाँ पे मौजूद है और हर धर्म को जो है वो अपनी अपनी इबादत करने का अपने अपने तरीके से इजाजत है, लेकिन यहाँ पे वोट की राजनीति के पीछे जो है वहाँ पे कश्मीर से आए हुए कश्मीरी मोहम्मदन जो हैं वो यहाँ के वातावरण को खराब कर रहे हैं। यहाँ उनकी गतिविधियां जो है वो हमेशा संदेह के घेरे में रही हैं, इसलिए उनको खुश करने के लिए अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा तो उस सरकार के उस कदम का हम विरोध भी करेंगे और उसके लिए अगर हमें कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन ऐसी किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। और वहां पे कश्मीरी मुसलमानों की जो है वो गतिविधियां जो वो संदेह के घेरे में है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी जांच होनी चाहिए। उनके ऊपर मिलने वाले लोग जो है वो कौन आते हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी भी पहचान होनी चाहिए। सरकार की, भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां भी उनके ऊपर जो है वो कड़ी नजर रखें क्योंकि यहां पे भी टेरर फंडिंग का जो है, जब कुछ कश्मीरी अलगाववादी नेता जो है वो एनआईए द्वारा पकड़े गए तो हिमाचल का भी उसमें रेफरेंस आया है, इसलिए यहां पे इनके खातों की भी जांच होनी चाहिए और इनकी सारी गतिविधियां, क्योंकि यहां के संसाधनों के ऊपर हिमाचल प्रदेश स्थानीय लोगों का जो है वो पहला हक है, वो हक जो है वो यहां के लोगों को मिलना चाहिए। और अगर ऐसी कोई गतिविधियां कश्मीरी मोहम्मदंस की डाली जाती हैं तो उसके ऊपर जो है वो सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस सारे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा जो है वो सरकार को कराई जानी चाहिए। उस समय क्या लगता है आपको, जो मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है वो वोटरों को देख के किया जा रहा है या कोई उस पर? इसमें निश्चित तौर पे अगर चुनावी मौसम में ऐसा करने की अगर कोई फिराक में सरकार है तो निश्चित तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक किसी लाभ या लोभ से जो है वो किया जा रहा है।